ये जो तेरी पायलों की छनछन है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। वेल दोस्तों, ये गाना तो आपने जरूर सुना ही होगा, जिसमें इंडस्ट्री के सबसे क्यूट और गॉर्जियस अभिनेत्री आयशा जुल्का डांस करती हुई नजर आई थी, और इसी के चलते ही आज भी काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं आयशा अभिनेता मिथुन के साथ यूं तो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद मिथुन आयशा के साथ एक गहरा बॉन्ड शेयर करते हैं, जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों के छिपे हुए कनेक्शन से रूबरू कराने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ, और साथ ही इन दो मशहूर कलाकारों के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको बता देते हैं इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है जिसे लोग आज तक जान नहीं पाए हैं। वेल, आपको बता दें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लव रिलेशन का बॉन्ड शेयर करते हैं। जी हाँ, इन दोनों का ये कनेक्शन पहले से ही रहा है। भले इन दोनों ने सबके सामने कभी खुलकर अपने रिलेशन को कबूल नहीं किया, पर ये एक दूसरे को काफी समय पहले से ही प्यार करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का से पहली बार साल 1993 दलाल फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले थे, जहां पहली नजर में ही मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का को अपना दिल दे बैठे थे और उन्हें बेहद प्यार करने लगे थे, और धीरे धीरे आयशा जुल्का भी मिथुन चक्रवर्ती को प्यार करने लगी थी। वहीं आपको बता दें कि आयशा जुल्का उस टाइम मिथुन चक्रवर्ती से काफी छोटी थी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि प्यार किसी की उम्र का मोहताज नहीं होता। इनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और ये एक दूसरे को हद से ज्यादा प्यार करने लगे, जिसके चलते दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट भी किया। पर दुख की बात यह है कि उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे, फिर भी इन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता काफी गहरा था, जिसके चलते दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन जब इन दोनों की लव रिलेशन के बारे में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली को पता चला, तो उन्होंने सीधा मिथुन चक्रवर्ती के साथ साथ आयशा जुल्का को भी वार्निंग देते हुए कहा कि वो एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पा रहे थे और चुपके से शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनका ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि दोबारा से योगिता बाली को इनके बारे में पता चला, जिसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी देते हुए कहा कि अगर वो आयशा से अलग नहीं होंगे तो वो खुद अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाएंगी। ये बात सुनने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ना चाहते हुए भी आयशा से दूर होने लगे, क्योंकि वो योगिता बाली के साथ साथ अपने बच्चों को भी बहुत प्यार करते थे और वो उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। और आज मिथुन चक्रवर्ती अपनी फैमिली के साथ एक लग्जीरियस लाइफ बिता रहे हैं। वेल, आयशा जुल्का और मिथुन चक्रवर्ती के इस रिश्ते के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।